हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ का आरसीएल का सॉल्यूशंस करेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का होगा, जो कि आपको देख सकते हैं एक्सरसाइज थ्री का क्वेश्चंस नंबर 5 करेंगे। बहुत दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था कुछ टेक्निकल इशू के कारण से, ठीक है। तो चलिए, आप प्रॉपर वीडियो देने का कोशिश करूंगा। तो आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन को क्या कर रहा कि सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि सोल्व करना। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया, घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले रीड कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2x-3 इंटू 3x+1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब कि निकालना होगा सोल्व करके क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं एक बार और, ताकि किसी को इशू ना हो, ठीक है। इस तरीके से है, हमें क्या दिया, दो फॉर्म जो दिया हुई है, 2x-3 और 3x+1, वो प्रोडक्ट में दिया हो। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x को हम 3 से करते हैं तो 6x² आ जाएगा, और 2x को 1 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, +2x आ जाएगा, समझ आ रहा। उसके बाद -3 को ये +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×3 = 9x आ जाएगा, और 3 को फिर -3 को 1 के साथ करेंगे तो -3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर ये और का साइन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब इक्वल टू रहे है तो और का साइन पहले दिया जाता है, ठीक है। 6x² प्लस यहां पर कर सकते हो, ये देखो ध्यान से, यहां पर आप साइन को समझिएगा, 9x में से 2x गया, यानी कि 9 के पास कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है, यानी कि कह सकते हो -7x बचेगा और -3 = 0। अब हम जैसे कि रूल क्लास 9th में पढ़े थे, हम इस चीज को मिडिल स्प्लिट करेंगे, राइट ना। तो यानी कि कह सकते हो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ध्यान से क्या करते हैं, 6x² मल्टीप्लाई -3, तो 6×3 = 18 -18x². अब 18 को कुछ इस तरीके से हमको स्प्लिट करना होगा, ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -7 प्राप्त हो जाए। तो देखो ध्यान से, यहां पर कह सकते हो कैसे ही तोड़ सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको ऐसा ना करके और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 2×3, ठीक है, और x × x हो जाएगा, और ये 3 को रहने दो, ये × -3 रहेगा, ठीक है। अब देखो 3×3 = 9, अगर 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा ना। तो ध्यान से देखना, तो यहां पर लिखेंगे -9x इसके साथ दे दिए, और यहां पर +2x हो गया, मतलब कि ये इसके साथ और ये जो एक और x है जो इसके साथ ले लेते हैं। तो समझ सकते हो यहां पर इस तरीके से फॉर्म, तो इसके जगह पर मैं ये रख सकता हूं, तो 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। आप समझ सकते हो, अगर 7 को हम करते हैं -9 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 ही गेन होगा, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10th में पहुंच गए, इस पर बताने का उतना जरूरी नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए करता हूं। यहां से देखो 3 कॉमन ले लो, 3x कॉमन हो जाएगा, तो 2x, 3×2 = 6 और माइनस यहां पर 3 आ जाएगा। अब देखो यहां पर +1 कॉमन ले लो, यहां पर हो जाएगा 2x - 3 = 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, 2x - 3 और एक और क्या करेंगे, 3x + 1 = 0। अब हम अगला टर्म में करेंगे, इफ अगर 2x - 3 = 0 करते हैं और क्या कर सकते हैं, 3x + 1 = 0, ये दो फॉर्म में आ गया। यहां से क्या होगा, 2x = -3 है तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि उधर जाने पर x = 3/2 आ गया, यानी कि पहला यहां से गेन हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, तो x = -1/3, ये आपका यहां से आंसर गेन हो गया। आई होप यहां से पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर देख सकते हो ऐसे, अगर आप चाहो तो हेंस करके ऐसे लिख सकते हो, हेंस x = 3/2 आया, और कह सकते हो x = -1/3, ये आपका यहां से फाइनल आंसर, यहां से भी कह सकते हो ये भी है, यहां पर भी आंसर प्राप्त हुआ। तो आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।